नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। खोखरा से विजयनगर रोड पर जा रहे हैं तो सतर्क हो जाइए। जरा सी बारिश के कारण सड़क पर बने गड्ढे में जल जमाव हो गया है, जिससे कि बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं जब एचबीएन न्यूज की टीम वहां पहुंची तो हकीकत सामने आई। देखिए, विजयनगर से खोखरा मार्ग पर टिंटाड़न, वर्धोल, राजपुर, चंदवासा, सरसव, केलावा, खोखरा गांव आते हैं। इन जगहों पर टूटने से वाहन चालक राहगीर परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जरा सी बारिश में भी इन गड्ढों में पानी जमा हो जाता है, जिस कारण सड़क मार्ग पर बने गड्ढे दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे में हादसा होने का खतरा बना रहता है। गड्ढे में भी अच्छा खासा पानी जमा हो जाता है। वाहन चालक चलते समय ये समझ नहीं पाते कि वही जहाँ चल रहे हैं वो जगह पक्की सड़क है या गड्ढे। इस कारण राहगीर अक्सर अपने वाहनों समेत नाले में गिर जाते हैं। रोड के पास बने कई गड्ढे मानसून सीजन में जल भराव में बड़ी आफत बन सकते हैं। कई जगह तो ये स्थिति में है कि यहाँ पर किसी जानलेवा हादसे की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। वही ट्रैफिक के लिहाज से सबसे व्यस्त माने जाने वाले कई रोड पर बरसात के मौसम में भी बिना सुरक्षा इंतजाम के निर्माण कार्य चल रहे हैं। खासकर एलिवेटेड रोड के निर्माण के दौरान सुरक्षा की अनदेखी की जा रही है, जहाँ पर बारिश के दौरान जल भराव में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। जिला प्रशासन और संबंधित विभागों के अफसर इस बारे में सब कुछ जानते हुए भी लापरवाह बने हुए हैं। वहीं एचबीएन न्यूज की टीम जब इस रास्ते का दौरा किया तो यह हकीकत सामने आई। विजयनगर से खोखरा जाने वाला रास्ते सबसे ज्यादा परेशानी है। इस खस्ता खाल सड़क के लिए जो भी अभियंता या अधिकारीगण जिम्मेदार है उसकी न्यायिक जाँच होनी चाहिए। ऐसा जन आक्रोश है और लोगों की मांग है कि अगर इस मामले में जो भी जिम्मेदार अधिकारी या विभाग हो निशानदेह करके उसका हल निकाला जाए। ब्यूरो रिपोर्ट एचबीएन न्यूज। जा रहे हैं गुजर रहे इस रास्ते से, इसकी हालत क्या है हम जिसको पूछने की कोशिश करेंगे। सर यहाँ कितनी बहुत सारी मुश्किल पड़ती है। हाँ जी सर, ये तो बहुत ही सारा रास्ता टूट चुका है और इधर जाने वाले सभी लोग हैरान हो चुके हैं। यहाँ बहुत खड्डे पड़ चुके हैं लेकिन प्रशासन कोई जानकारी लेता ही नहीं इसकी मरम्मत करने के लिए, और बहुत हालात का सामना करना पड़ता है। यहाँ हमने बातचीत करने की कोशिश की है, उसको पता चला है कि यहाँ बहुत ही सारी मुश्किलें सामना करना पड़ता है। प्रशासन भी इसकी जो जानकारी नहीं ले रहा है। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी, ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए, जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट की घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से। पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन, मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी। महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करे विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, सहभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126। संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली।